की गाइक बताइए ना यार, आरसी 200 लिमिटर लगा हुआ है। ये कैमरा ये 2.5 लाख की एमटी वाले भी छपरी राइडर होते हैं कि नहीं होते हैं? साला ऐसा भगाया जा रहा है वो इतनी पब्लिक में। मैं कहूँ भाई पुलिस यहाँ पे इतनी है, भयंकर मर जाएंगे वैसे कुछ हो गया तो। ये बहुत ही बुरा हुआ हम लोग के साथ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस सुबह के बज गए 7:01 और अपन जा रहा अभी दूध लेने। तो सोचा कि अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं तो चलते चलते अपना ब्लॉग भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्लान ये था कि हमारा राइड पे जाने का, तो फिर हमने डिसाइड किया कि मैं जाने का, बिकॉज़ काफ़ी दिनों से हम लोग बोल रहे थे, काफ़ी लोगों से भी बोला था, बट अभी सब लोग बिजी है तो अभी हम भी लोग हैं 4-5। और राइड का प्लान इसलिए हुआ क्योंकि हमारे अजय भाई बस 1-2 दिन में वापसी है उनकी, तो इसी वजह से कि जाते जाते क्यों ना एक बार राइड साथ में कर लेते हैं। बाकी तो होती रहेंगी, अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया, ये समझो आज अपनी फर्स्ट राइड होगी, अब चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जैसे भी हो बट होगी राइड। तो फिर अजय भाई ने फ़ोन किया तो फिर अब जाके डिसाइड हुआ कि हम लोग निकलते हैं राइड के लिए। और 7 तो बज ही गया, 7:30-8 बजे के करीब समय हो ही जाएगा यहाँ से निकलते हुए। निक्की भैया को मैंने बोल दिया है कि आप जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ और मैं भी दूध लेके और रेडी होता हूँ फिर निकलता हूँ। चाय वगैरह मैंने पी ली है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑन मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस अब अपन रेडी हो गए और निकल रहे हैं यहाँ से। सुम्मू भाई का कुछ पता नहीं है, मैं सुम्मू भाई कह रहा है कि अभी मैं तो उठाऊँ गाड़ी धुल रहा हूँ। हमारा अजय भाई भी निकल चुके हैं और भुवन भाई और निक्की भैया तो पहले पहुँच गए, सिर्फ लास्ट सुम्मू भाई हैं। तो आज है ये अपनी फर्स्ट राइड, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है भाई लोगों के साथ, बट उम्मीद है कि फुल मज़ा आएगा और कोशिश करेंगे कि आपको भी पूरा पूरा मज़ा आए ब्लॉग देखने में। हम सोच ही रहे थे काफ़ी दूर से जाने के लिए, बट आजकल और आज भी कंफर्म नहीं था कि हम लोग को जाना ही है। तो निक्की भैया ने बिल्कुल पीछे पड़ गया, अरे चलना है। तो और हम लोग आज जा रहे हैं टनकपुर साइड, बट जहाँ सोचा वहाँ का अभी कंफर्म नहीं है। हमने सोचा हम चूका विलेज जाएंगे, बट देखते हैं गाइस कि अभी वहाँ पे पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं, बिकॉज आने मिले ना मिले ये तो वहीं पर जाके ही पता चलेगा। तो भाई साहब ये लोग खड़े हैं हमारे निक्की भैया एंड आ गए। अच्छा ये बताओ मुझे आप किसको ज्यादा आग थी जाने की वहाँ पे और कौन लेट कर रहा है? आग थी सुन्ना को जाने की। और वो ही नहीं आया देखो, गाड़ी धुल रहा है। नहीं नहीं तो मैं तो इसलिए वहाँ पे रुका था, वरना आपसे पहले आ जाता। अरे भैया हमारी गाड़ी नहीं भागती तो ऐसे कहोगे और क्या है? ये नहीं भागेगी तो और कौन सी भागेगी? स्प्लेंडर में लिमिटर लगा हुआ है, लिमिटर कौन सी भागेगी गाइस बताइए ना यार, RC 200 ये नहीं भागेगी। हमारे सुमो भाई आए थे और सुमो भाई ने ब्रेक मारी तो वहाँ पे जाके अभी ये गए थे खत्म थे ये। तो भाई साहब इतना लेट करते हैं भाई साहब कि क्या कहे? भुवन सर बताओ कौन कह रहा था ये किसको ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी राइड के लिए और लेट कौन आया? आज हमारे अजय भाई भी आ गए और अभी तक ये भी इनका भी लेट ही काम रहता है, ये गोप्रो लगा के नहीं आए हैं। राइड पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, भाई ने पर मतलब 3 दिन हो गए अभी घड़ी लिए और हगते मूतते सोते नहाते उतारते ही नहीं है, पहने ही रहते हैं भाई साहब, बिल्कुल पता नहीं क्या है। और मांगते तो देते नहीं है भाई साहब, अभी सफाई दे रहे हैं, वाटर प्रूफ भाई साहब उतार ही नहीं है जब से ले लिए। भैया बड़े लोग हैं यार, महंगी वाली लेते हैं, हम कहा गरीब आदमी, हमारे तो घड़ी भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि दे दो, गिफ्ट दे ही नहीं दे रहे हैं। 300 रुपए, 301 रुपए, चल मैं गूगल पे कर रहा हूँ, 301 रुपया में दे दे चला था। तो भाड़ा भी लगेगा ना, भाड़ा क्या दे भाई साहब, देख रहे हो, चल 500 दे रहे हैं। तो अब निकलते हैं हम लोग भी, और जैसा कि मैंने बताया कि भाई लोग निकल गए और अजय भाई हमारे और भुवन भाई हम लोग भी अब निकल रहे हैं साथ में। तो हम लोग पहुँच गए टनकपुर और फिर यहाँ से कुछ
खाने पीने का भी सामान लेंगे तो फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस हमने कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक एंड पानी ले लिया है, बिल वगैरह हमने पे कर दिया है। लो लो ये रखो, कुछ अपने उसमें रखो और बैग में मेरे भी सामान में रख दिया ना, और कुछ अपने में रख लो ठीक है, स्पेस दो। हाँ रखो ठीक है, सामान बताओ गाइस। तो गाइस हमारे सुमू भाई के सब्सक्राइबर मिल गए। कहाँ जा रहे भाई? कहाँ क्यों? बदायूं साइड। अच्छा फिर तो उधर के ही। तो भाई लोग ये हमारे भाई लोग बदायूं साइड से आए हैं, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। सामान वगैरह हमने सब ले लिया है। ये 2.5 लाख की। हाँ देखना ठीक है, ब्लॉग आएगा तो। अभी आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ है। ये कैमरा। चलो तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और भाई लोग पूछ रहे हैं क्या लगा रखा है कैमरा वगैरह। तो भाई सब देख सकते हो ये सारे भाई लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं। ये सब पूर्णागिरी से आ रहे हैं। वहाँ से आ रहे हो ना तुम लोग, वापस जा रहे हो ना? चलते हैं भाई लोग ठीक है। अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, सामान वगैरह सारा हमने ले लिया है। लेने की वजह से जगह जगह पे पुलिस वाले हमारे अजय भाई इधर खड़े हैं, बाकी पूछते हैं क्या सीन है। तो हमारा काम हो गया है, उन्होंने कहा आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज अभी हमारे फौजी भाई के साथ होने का एक बेनिफिट तो कुछ तो मिला। क्यों सर? चलो ये रास्ता कैसा है फिर चुका पुलिस के लिए? लोहे का पुल पड़ेगा, उसके नीचे को पड़ेगा। नीचे चले जाना ना फिर। लगभग यहाँ से कितना होगा? यहाँ से होगा 15-16 किलोमीटर। अच्छा ठीक है। और अभी हम चेक करते हैं कितने किलोमीटर हम लोग आ गए घर से। 45 किलोमीटर आ गए। 45 चलते हैं अब हम लोग। तो ये ब्लॉग भले जितना लंबा हो लेकिन भाई साहब जितना होगा उतना कवर करेंगे हम अच्छा सा, ताकि मज़ा आए ब्लॉग में। लोगों को भी काफ़ी भीड़ है मेले की वजह से। तो चलो चलते हैं अब हम लोग। यहाँ से गाड़ियाँ आगे नहीं जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया था इस टाइप के 3 ब्रिज होंगे ठीक है, पहला और दूसरा हमने क्रॉस कर लिया है, तीसरा ये आ गया। तो अभी हम ऊपर ना जाके हम सीधे नीचे वाली रास्ते पे चलेंगे। ये आपके पूर्णागिरी के साइड चले जाइए और हमें जाना चूका विलेज। तो अजय भाई आगे, अजय भाई को देख रहे हो भाई साहब एकदम। ये सुन लो भाई, सुम्मू भाई बड़े खुश भाई साहब जगह देख के। हमारे भवन भाई को भी मज़ा आ गया, बिल्कुल खतरनाक वाला मज़ा आ रहा है भाई साहब एकदम कसम से। दिल खुश हो गया यार देख के ये जगह, मतलब की मतलब क्या ही कहे, एकदम मज़ा आ गया। तो गाइस हम लोग टनकपुर से आगे आके जो मंदिर है यहाँ से, तो वो रास्ता अलग है। मैंने जैसे कि ब्लॉग में बताया था हम लोग यहाँ पे आ गए और भुवन भाई इतने एक्साइटेड हो गए थे कि भाई साहब आगे चले गए थे, आभार दे रहे हैं, तो अब आए। और बाकी सुमू भाई भी, सुमू भाई कैसी जगह लगी? बाकी आगे भाई सुमू भाई के ब्लॉग में देखा है, लेकिन सुमू भाई थोड़ा सुस्त सी लग रहे हैं। हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे इस जगह पे आने के लिए, तो अभी हम मंजिल पे अपने पहुँचे नहीं है, बट फिर भी 10-12 किलोमीटर अभी और है मंजिल। बट यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि ये जो है ना काफ़ी मस्त है और एकदम मस्त जगह। वो तो ये भी सही है कि मतलब अभी मेले के टाइम आया तो हमें भीड़ भाड़ भी मिल रही थी और वो भी अच्छा लग रहा था। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं और आगे का हम वगैरह बन ही रहा है, तो मज़े ले रहे हैं। बाकी मुझे भी कह रहे हैं अब मैं आरसी चलाऊंगा। ना सच्ची बात बताना ठीक है, लोग बदनाम करते हैं कि छपरी राइडर KTM वाले होते हैं ठीक है, MT वाले भी छपरी राइडर होते हैं कि नहीं होते हैं? साला ऐसा भगाया जा रहा है वो इतनी पब्लिक में। मैं कहूँ भाई पुलिस यहाँ पे इतनी है, भयंकर मर जाएंगे भयंकर कुछ हो गया तो। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं MT राइडर ज्यादातर छपरी वाले होते हैं ठीक है। अभी दिखा दूं फिर? अरे अच्छा अच्छा भाई आप छपरी राइडर हो क्या? छपरी राइडर हो क्या? सारे बढ़िया राइडर है ग्रुप वाले, यही है छपरी राइडर है यही है। निक्की भैया अचक बैठे थे तो कैसा फील लग रहा था? कुछ मतलब ऊपर हम लोग कुछ दिख रहा था क्या मतलब की? मैं को इधर पे पत्थर पड़े हैं, मैं को साले बजरी रोड में है तो इतना क्यों भगा रहा है? देख रहे हो शुरुआत हो गई उसकी। तो गाइस हम लोग चलते हैं अब यहाँ से।
अभी हम लोग पहुंच गए चूका विलेज और ये है और अभी हमें उससे आगे और जाना है। हम लोग अब जा रहे हैं, कुछ हमारा फ़ोन आ गया था घर से इमरजेंसी, बट फिर पहले सोचा वापसी कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर दोबारा फ़ोन ऑन किया तो कहा कि हो जाएगा कल काम, तो चलो ठीक है अभी हम लोग यहाँ से हम चलते थोड़ा और आगे जाते हैं, बिकॉज गांव तो यही है चूका विलेज, बट अभी इससे आगे हम निकलते हैं और आगे का हम देखते हैं, शायद ऑफ रोडिंग वाला भी सिस्टम है, तो चलो चलते हैं। हम ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो ही चुकी है, हम जो रास्ता आप देख ही रहे हो रोड नहीं है, सिमू भाई डरते हैं ऑफ रोडिंग करने से क्योंकि तो भाई आप देख सकते हो पहली नदी आ गई है और अभी हम लोग यहाँ से पार करते हैं, तो पहले कौन जाएगा, छपरी राइडर मना कर रहा है। बुरा हुआ हम लोग के साथ कि हम लोग बाइक आगे लेके नहीं जा सकते हैं क्योंकि पानी का बहाव ज़्यादा और अभी हमें रास्ते का भी नहीं पता है। अजय भाई हमारे पैदल पैदल पार कर चुके हैं, तो हम लोग ने सोचा कि हम बाइक यहीं पे खड़ी करते हैं और फिर हम लोग जाके देखते हैं आगे कितने आगे तक हम जा सकते हैं, और नहीं समझ में आया तो हम वापस आएंगे। तो गाइस अपनी मंजिल थी यहीं तक मुझे लगता है, तो सुमो भाई हमारी मंजिल यहीं तक थी और सुमो भाई को भूख लग गई है बिकॉज ये खा के नहीं आए थे और खा के तो मैं भी नहीं आया था, सिर्फ चाय नाश्ता वगैरह करके, और उधर वो लोग ब्लॉग बना ब्लॉग बनाने में मस्त हैं, बुला रहे हैं कि आ जाओ कुछ खा लो, बट खाने का कोई वो है नहीं, तो भाई साहब हम ही लोग खा लेते हैं, बाकी तो फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आए तो वो भी पीते हैं। सामने से दो भाई लोग आ रहे हैं तो हम लोग इनसे पूछते हैं कि आगे से कोई रास्ता है कि नहीं हम लोग जो आगे जाएँ, बिकॉज इतनी दूर आए तो सोचा ये चले ही जाए। हाँ जैसे ये वाली नदी और अपनी जो चलती नदी आती है वो दोनों मिलती है, चलती वाला नदी है और वो काली नदी भी तो मिलती है वो सामने में, तो आगे किधर मिलाप होता है, आगे जाके होता ना, आगे जाके होता है, ऐसे जाओ तो ऐसे ही मिलाप हो जाएगा, मतलब कोई रास्ता नहीं सिर्फ यही रास्ता है, गाड़ी पार होगी नहीं रास्ता। सुमो भाई एक बार ट्राई करो, ज़्यादा तो रास्ता का पता नहीं ना, अंदाज़ा नहीं है कैसा है ना, फ्री राइडर यही है यही पार कर सकते हैं। पहले भुवन भाई कह रहे हैं अपनी अपनी बना ले रहे हैं, मेरी नहीं बना रहे, भुवन भाई कह रहे हैं, और अजय भाई को कोई मतलब नहीं है, अपना गैस शूट करके आ गए, और भाई साहब आगे का कुछ पता नहीं है हमें, तो भुवन भाई हम लोग बस यहीं तक हैं, हमें तो यही लग रहा है। तो जैसा कि आपको पता कि हम लोग अपनी पेट पूजा कर ही रहे थे, तो अभी भुवन भाई अपना कुछ करने आ रहे हैं, हमें नहीं पता क्या करने जा रहे हैं, और इधर ये कुछ जादू दिखा रहे हैं सुम्मू भाई का, नहीं हो रहा है, अरे रहना तो सीन है, जबरदस्त बर्बाद कर रहा है, कुरकुरे बर्बाद कर रहा है, क्यों भाई यार कुरकुरे बर्बाद कर रहे हैं, अजय भाई मन में गाली दे रहा हूँ, इनके साले पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हाँ हाँ चल चल फिर फटाफट कर रहे हैं, निकले इधर से यार पैसे की बर्बाद। तो वैसे हम लोग मिनी लद्दाख में आए गए, बाकी भुवन भाई बताएंगे कि अभी जब हम लोग वहाँ से पूर्णागिरी के बाद रास्ता छोड़ के इधर आए थे तो कैसा फील हुआ था आपको? लद्दाख का फील हुआ था जैसे वीडियो देखते हैं ना लद्दाख की, वैसे ही फील हुआ था भाई, एक नंबर का। हम लोग हाँ भुवन भाई हम लोग को तो आज ही पता चला कि हम लोग मिनी लद्दाख, हमारे हमारे उत्तराखंड में मिनी लद्दाख भी है, तो सब लोग लद्दाख जाते हैं, मिनी लद्दाख का हो यार, यहाँ देखो ये जो सीन देख रहे हो ना लद्दाख वाला भाई साहब, जैसे लद्दाख में ना क्रॉस करते हैं नदियाँ वैसे ही वाला फील हो रहा है भाई। हम लोग पता आप सामने देख सकते हो जो पानी वो जा रहा है, हम लोग क्रॉस करने के लिए तैयार है, लेकिन छपरी राइडर वो मना कर रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, तो उसको हम नहीं छोड़ सकते ना, तो यहीं पे हम लोग रुके पड़े हैं, बाकी क्या करें, वरना तो है कि अभी हमने पूछा था यहाँ पे वो भैया पड़े मतलब पड़े क्या लेटे पड़े जो भी है, वो कह रहे हैं कि पार कर सकते हैं, बट एक यही रास्ता है, और फिर यहाँ से जब हम क्रॉस करेंगे तो आगे जाके फिर वहाँ पे जाके ये चलती नदी है और काली नदी आगे जाके संगम होता है, तो वहाँ पे जाके फिर हमें वो मिलता, तो अभी हम लोग शायद वहाँ पे ना जाए, तो हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से जल्दी निकलते हैं, फिर भूम पे जाके फिर हम लोग वहाँ पे देखते हैं जो भी होता है। तो गाइस वीडियो बने रहिए, वीडियो देखो और एंजॉय करो, क्या करना है। तो अभी हम कुछ फोटो शूट के लिए और रील्स के लिए बाइक को सब लाइन पे खड़ी कर रहे हैं, और इधर हमारे भुवन भाई, और अभी हमारे भुवन सर ने भी गाड़ी लगा दी है लाइन पे, और अभी हम लोग पानी का ठंडा है यार, तो अभी बैठने वाला सीन है। तो अभी हमारे भुवन भाई ड्रोन उड़ाने की तैयारी में है, हम अच्छा है, ठंडा ठंडा लग रहा है यहाँ पे, और पानी भी काफ़ी ठंडा है और हवा भी जैसे जैसे मतलब सब ठीक ही है। हमारे सुमू भाई को नहाने का मन कर रहा है, सुमू भाई वैसे भी सुबह सुबह बोल रहे थे बाइक धुलनी है धुलनी है, तो यहाँ पे आके उनकी बाइक धुली गई है, ये हमारी अजय भाई की बाइक है, सुमू भाई की, ये अपनी, और भुवन भाई की चेतक।
सूरज अपना जो भी यहाँ पे शूट ड्रोन शॉट और जो भी हमें सिनेमेटिक वगैरह जो लेना था ले लिया है। बाकी का हमारे मित्र भैया कर ही रहे हैं। तो अभी अपन लोग यहाँ से निकल रहे हैं और सुमू भाई हमारे आ रहे हैं, अपना हेलमेट वगैरह सब सेट कर रहे हैं, फिर अभी हम लोग चलते हैं सीधे यहाँ से। पहले तो छाया भी है, अभी हम लोग बूम चौकी आ गए थे और अभी यहाँ पे रुके थे, तो ये लोग बोल रहे थे अभी पे थोड़ा सा रोड साइड जाते हैं, और अभी भैया ने हमें काट दिया था। ये कभी भी आओ तो आप कॉल करना या जो भी है। तो अभी वैसे तो क्या 600 पर पर्सन चार्ज है, बट कह रहे थे आओगे तो हम कम कर देंगे। ये कह रहे हैं जैसे अगर राइडर UK06 का नाम लेंगे तो 500 भी कर देंगे। अगर और अगर आप बोलेंगे मैं MT छपरी राइडर के द्वारा आया हूँ तो 400 भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब भुवन भाई आएंगे तो सब फ्री में ही कर देंगे। ठीक है भुवन भाई, ठीक है। तो एक बार फिर से आप देख लो, चलो और मैं आपको ये नंबर तो कर देता हूँ। इसमें ग्लो डॉमी एडवेंचर है। तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं गाइस, कहाँ चलते हैं यही जाने का। अभी तो अपने को पता है जा रहे हैं अभी अरुण भाई के घर पे, और अभी हम लोग निकलते हैं सीधे घर की तरफ, बिकॉज अपने को अभी कुछ और भी काम है। मैं अभी घर जाके दोबारा कुछ कभी ना आऊँगा, काम निपटाते हैं। तो चलते हम लोग हैं। ओके चलो, चले चल फिर मिलते हैं। ओके तो भाई अपनी बाइक में फूल एक दिन एंड पे आ ही गया था, तो सोचा पेट्रोल डलवा लेते हैं। सो जैसा कि आपको पता है गाइस, हम लोग पहुँच गए थे पेट्रोल पम्प अपने भट्टे अपने गाँव के साइड वाले में, जो नया पेट्रोल पम्प खुला है। और अभी मुझे दोबारा खड़ी में जाना है, बट उससे पहले मैं जाऊंगा घर जाने का, फिर मैं वापस खड़ी में जाऊंगा और जल्दी हम फिर से राइड करेंगे साथ में भुवन भाई के। अजय भाई तो अभी छुट्टी पे चले जाएंगे, उसके बाद आएंगे फिर करेंगे। और भुवन भाई के साथ तो अपनी राइड होती रहेगी, क्यों सर जी? गाड़ियाँ ये लोग भगा रहे थे, और बताओ ढक्कन यहाँ का उड़ गया। सही है गाइस, तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पर। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय सर जी, बाय बाय। ओके।